हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो एक इन्फॉर्मेशन ओरिएंटेड वीडियो है और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि टीवी के साउंड क्वालिटी को कैसे इम्प्रूव करते हैं और इसके साथ कैसे एक्सटर्नल स्पीकर्स को कनेक्ट करते हैं। बहुत सारी एलईडी की साउंड क्वालिटी अच्छी नहीं होती है और ऐसा तो नहीं है कि हम बार बार एलईडी को बदल सकते हैं सिर्फ और सिर्फ साउंड क्वालिटी के कारण ही। तो इसके लिए एक अच्छा ऑप्शन है कि हम एक एक्सटर्नल स्पीकर एलईडी के साथ कनेक्ट कर दें। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए और आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं एक नए प्रोसेस के बारे में। फ्रेंड्स, टीवी को देखने के लिए आजकल ज़्यादातर लोग सेटअप बॉक्स का यूज़ करते हैं और सेटअप बॉक्स को एलईडी के साथ आइदर एचडीएमआई कॉर्ड या ऑडियो वीडियो कॉर्ड के थ्रू कनेक्ट किया जाता है। तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि सेटअप बॉक्स के साथ एक्सटर्नल स्पीकर्स कैसे लगते हैं और सेम वे से आप एलईडी में भी स्पीकर्स कनेक्ट कर सकते हैं। आपके एलईडी में ऑडियो आउट की फीचर अवेलेबल होनी चाहिए। मैंने सेटअप बॉक्स को स्विच ऑन कर दिया है और ये डिश टीवी कंपनी का सेटअप बॉक्स है और ये इस एलईडी की नॉर्मल साउंड जो सेटअप बॉक्स से कम या ज़्यादा कर रहा हूँ। मैं चैनल चेंज करके आपको इसकी अच्छी तरह से ऑडियो क्वालिटी सुना दूं। और सेटअप बॉक्स से मैं साउंड को कम या ज़्यादा कर रहा हूं और आप एलईडी से भी इसे ज़्यादा या कम कर सकते हैं कुछ इस तरह से। एलईडी के भी रिमोट से कुछ इस तरह से आप इसे बढ़ा सकते हैं फिर कम कर सकते हैं। आइए अब मैं बताता हूँ कि कैसे स्पीकर्स को कनेक्ट करना होता है। यह है डिश टीवी का सेटअप बॉक्स और यहाँ बैक साइड में आप देख सकते हैं एक एवी आउट का पोर्ट आपको दिख रहा होगा। यह है एवी आउट और ये एचडीएमआई से कनेक्टेड है फिलहाल और हमें ऑक्स केबल को इस एवी आउट में फिक्स करना है। मैं क्लोजली दिखाता हूँ आपको। और यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ फिलिप्स का साउंड बार एज ए एक्सटर्नल स्पीकर और आप देख सकते हैं यहाँ पे एक छोटा सा ऑक्स केबल प्रोवाइड किया गया है और आप मार्केट से कोई भी ऑक्स केबल परचेज कर सकते हैं। कुछ इस तरह की ऑक्स केबल आती है। और यहाँ पे जो ऑक्स केबल कनेक्ट हो रखी है मैं वहाँ से इसे निकाल दूँगा छोटी वाली केबल को और जो नई केबल है उसे मैं फिक्स कर दूंगा कुछ इस तरह से। एक इंड को आप यहाँ पे सेट कर दें और जो दूसरी इंड है उसे आप सेटअप बॉक्स के एवी आउट में सेट कर दें। और अभी आप देख सकते हैं ये म्यूट है और इसे मैं अनम्यूट करूंगा सेटअप बॉक्स के रिमोट से और म्यूट करते ही आपको इको का साउंड आएगा बिकॉज टीवी की स्पीकर एंड जो एक्सटर्नल स्पीकर है दोनों रन कर रही है। और इसे फिक्स करने के लिए हम रिमोट से टीवी के स्पीकर को म्यूट कर देंगे और उसके बाद ये ठीक हो जाएगा। और एक्सटर्नल स्पीकर सिर्फ कनेक्ट है और हमें जो साउंड सुनाई दे रही है वो एक्सटर्नल स्पीकर की है। फ्रेंड्स, आप सेम तरीके से अपने एलईडी में भी स्पीकर कनेक्ट कर सकते हैं अगर आपके एलईडी में ऑडियो आउट की फीचर अवेलेबल है। तो फ्रेंड्स, ये इन्फॉर्मेशनल वीडियो कंप्लीट हो चुकी है और आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और जानकारी मिली होगी एक नए प्रोसेस के बारे में। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।